उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश को अपने आगोश में ले रखा है, जिसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के साथ आने वाले 48 घंटे में मौसम विभाग ने कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई है। इसके साथ ही प्रदेश में नए साल का आगाज कोल्ड डे के साथ होगा। वहीं अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। देखिए, प्रदेश में मौसम की अगर बात करें तो आने वाले जो 48 घंटे होंगे उसमें प्रदेश में कहीं कहीं पर गरज चमक की स्थिति और बरसात की गतिविधियां बनी रहेंगी, और साथ ही प्रदेश में जो है कोल्ड वेव की स्थिति जो रहेगी कल एक दिन के लिए रहेगी, 24 घंटों के लिए, और शीतल दिन और तीव्र शीतल दिन की स्थितियाँ अभी 48 घंटों तक प्रदेश में बनी रहेंगी। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी का अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान कल 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। देखिए, सभी लोगों को ये है कि गर्म कपड़े पहने और जो सर्दी से जो एहतियात बरतना चाहिए, अपनी दवाइयाँ या जो भी अस्थमे से जुड़े हुए पेशेंट्स हैं वो अपना ध्यान रखें और लोग गर्म कपड़ों का यूज़ करें बाहर निकलते समय, और फॉग और कोहरे की स्थिति में वाहन ना चलाएं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं।